भारत और नेपाल के रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो भारत के कुछ हिस्से को नेपाल ने अपने हिस्से में शामिल किया और आधिकारिक रूप से मैप में भी शामिल किया। लिपिया धुर्रा, लिपु लेक या फिर काला पानी, इन जगहों को नेपाल ने अपने हिस्से में शामिल किया, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच में टेंशन्स भी क्रिएट हुए, वाद विवाद भी हुआ। इसके बाद अब नेपाल सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से नहीं कह सकते, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और नेपाल ने भारत के अधिकतर मीडिया को, दूरदर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी मीडिया न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है नेपाल ने। तो आज के दी करेंट अफेयर्स शो में सबसे बड़ी खबर यही है, नेपाल पे नज़र डालेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल ने क्यों भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। तो चलिए आज का दी करेंट अफेयर्स शो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि नेपाल ने हाल ही में भारत के सभी न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़ के। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उत्पन्न होता है कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया है। नेपाल की तरफ से कोई सरकारी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी तरफ से आधिकारिक बयान जरूर जारी किया गया है। उसने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रति भारत में जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उनकी छवि को जिस प्रकार से ख़राब किया जा रहा था, उसी छवि को लेकर नेपाल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया है, चाहे आज तक हो, चाहे आप जी न्यूज़ कह लो या एबीपी न्यूज़ कह लो, इन सारे न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन को छोड़ के। नेपाल के मेगा मैक्स टीवी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है कि नेपाल सरकार ने अगर ऐसा किया है तो वो क्यों किया है। हालांकि भारतीय मीडिया की तरफ से ये बयान जरूर आया है और इसका बहुत बड़ा विरोध भी किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, जो भी नेपाल की तरफ से किया गया है। तो खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन भारत और नेपाल के रिलेशंस जिस प्रकार से खराब होते जा रहे हैं, और खासकर जो नेपाल में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से जिस प्रकार से भारत के साथ में रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक की पॉइंट्स बनता है कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स को भी कभी नेपाल ने बैन किया था। तो इस बात को बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए इसके बाद नेपाल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल रुपी इसका करेंसी है, केपी शर्मा ओली इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल आपके लिए यहाँ पर यह बनता है कि भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है नेपाल? परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको नीचे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ऑप्शन भी आपके सामने दे देता हूँ, 1, 2, 3 या फिर 4, जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो बढ़ जाते हैं, चाइना बिल्ड करने वाला है आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक 6 से लेकर 8 न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है चाइना बहुत अधिक मात्रा में। इसीलिए चाइना ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 5 से 6 सालों में 6 से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करेगा चाइना अपने अंडर, जिससे कि जो चाइना की कैपेसिटी है वो 70 गीगावाट्स तक न्यूक्लियर एनर्जी की पहुँच जाएगी। और ये इंक्रीज चाइना करना चाहता है 43.5% तक, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर अभी आप प्रेजेंट टाइम पर देखोगे 2020 में, तो चाइना का जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, वो लगभग 52 गीगावाट की है। और 2020 के अंत तक चाइना इसको 58 गीगावाट तक पहुंचाना चाहता है। हालांकि चाइना का आधिकारिक जो बयान है, वो चाइना कहता है कि 58 गीगावाट तक हम पहुंच गए रहते अगर कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैला होता। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम पर 52 गीगावाट चाइना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस साल के अंत तक 58 गीगावाट तक पहुंचना चाहता है। वर्ष 2025 तक यहां पर चाइना ने टारगेट रखा है 70 गीगावाट का। इसके लिए 6 से 8 न्यूक्लियर
रिएक्टर को जो है वो बिल्ड करेगा और अपने न्यूक्लियर एनर्जी में 43.5% को यहाँ पर इंक्रीज करेगा। हम बात कर रहे थे चाइना की, क्योंकि चाइना ने आधिकारिक घोषणा किया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत का भी। भारत अगर अभी आप वर्तमान समय में देखोगे तो टोटल अगर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर टोटल 21 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं। इससे लगभग 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट के अनुसार जो 2017 में रिलीज हुआ था, इसके अनुसार रिएक्टर के मामले में, यानी कि नाभिकीय संयंत्र से जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसके मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में यहाँ पर कुछ टारगेट भी निर्धारित करके रखा है। इसके अनुसार वर्ष 2024 तक भारत 14.6 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है। इसके अलावा वर्ष 2032 तक लगभग 63 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लानिंग बना रखा है इंडिया ने। तो इंडिया के बारे में भी आप न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित इन बातों को ध्यान रखिएगा। और चाइना ने जिस प्रकार से फैसला लिया है कि 6 से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बिल्ड करेगा आने वाले 5 सालों में, इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, उसका आंसर भी दीजिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता कौन से रिएक्टर में है और वो कौन से राज्य में स्थित है। इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये चाइना के बारे में कॉमन सी बातें हैं, इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। ये चाइना का लोकेशन है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और चाइना की राजधानी, इसका करेंसी और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा, वो हाल ही में इसरो लॉन्च करेगा ब्राज़ील का एक सैटेलाइट जिसका नाम होगा अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, जो कि PSLV की मदद से लॉन्च किया जाएगा। कब ये लॉन्च किया जाएगा? अगस्त 2020 में। अमेजोनिया 1 जो है ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट होगा जो ऑब्जर्व करेगा अर्थ को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसरो की तरफ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और यह एग्रीमेंट आज साइन नहीं हुआ था, यह एग्रीमेंट आपका 2004 में ही हुआ था, जनवरी 2004 में इसरो और ब्राज़ील के बीच में। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अगस्त 2020 बीच में इसरो ब्राज़ील का जिस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है उस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1। तो इसके बारे में, यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, PSLV की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। इन सब छोटी छोटी बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर में। इसके फाउंडर किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ उनका नाम भी जोड़ा जाता है कि दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो 15 अगस्त 1969। और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर कौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है वन डे एग्ज़ाम में। K.C.1 यानी कि कैला सावादीवो सीवन, यानी कि K.C.1। और ये हमारा इसरो का लोगो है, इसरो हमारी शान है, इस बात को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 6 नए पुल का उद्घाटन किया है, और पुल का उद्घाटन किया है जम्मू और कश्मीर में, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस 6 पुल की मदद से जो हमारे सेना को सामान पहुंचाया जाता है बॉर्डर पे, चाहे LOC पे चाहे LSC पे, इसकी मदद से वहां पर बहुत हेल्प मिलेगा सेना को सामान पहुंचाने में, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में, या फिर एक ज़िले को दूसरे ज़िले को कनेक्ट करने में यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाला है इस ब्रिज की मदद से। तो 6 ब्रिज को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके तरफ से? ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और इस ब्रिज में जो मैक्सिमम ब्रिज है वो कठुआ जिले में बनाया गया है, और इसका टोटल कॉस्टिंग जो है वो आपका 43 करोड़ रुपीस का है। और इसको जो बिल्ड किया है, यानी कि जो इस ब्रिज को बनाया गया है, वो बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की तरफ से बनाया गया है। खासकर जो संवेदनशील एरिया होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, उस एरिया में रोड बनाना या फिर रोड को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो जो बीआरओ के लोग होते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं इस एरिया में, वो अच्छी तरह से सड़क बनाते हैं। तो भारत में अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में देखोगे तो रोड जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो बीआरओ की तरफ से ही किया जाता है। तो इस पुल और इस ब्रिज का निर्माण भी जो है, जो 6 ब्रिज का निर्माण किया गया है वो बीआरओ की तरफ से ही किया गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हालिया में 6 ब्रिज का लोकार्पण किनकी तरफ से किया गया है या फिर वो रोड किनके द्वारा बनाया गया है, तो दोनों बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, जब विंटर है तो जम्मू में और जब समर चल रहा है तो श्रीनगर में गवर्नर कौन है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसके गवर्नर हैं। फाउंडेड 16 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को फाउंड किया गया था। ये वो लोकेशन है जहां पर इस ब्रिज को स्टैब्लिश किया गया है। तो इतनी बातों को आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यहां पर ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और कह सकते हैं आज का दी करेंट अफेयर शो का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। चाइना ने हाल ही में एक न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और आप कह सकते हो चाइना का ये हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि यहाँ पर मदद करने वाला है एयरलाइनर पैसेंजर्स के लिए, क्रूज शिप के लिए, फिशिंग के लिए और अदर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए या फिर यूज़र्स के लिए भी यह सैटेलाइट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। रॉकेट का नेम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिस चाइनीज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है कौन से रॉकेट से किया गया है, तो चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उस सैटेलाइट का नाम है आपका यहाँ पर AppStar 6D। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। खासकर रॉकेट और सैटेलाइट, ये दो चीज़ों का नाम आपको ध्यान में रखना है, और किस पर्पस से किया गया है, कम्युनिकेशन पर्पस से किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखने योग्य है कि इस सैटेलाइट को डेवलप किसके तरफ से किया गया है, तो ये किया गया है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। सब्सिडरी कौन है, तो ये है चाइना एयरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इन दोनों की मदद से इसको डेवलप किया गया है। तो ये था हमारा आज का दी करेंट अफेयर शो। करेंट अफेयर शो पसंद आने पे आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के दिन इस करेंट अफेयर शो में बस इतना ही, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।